बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा शानदार फूली हुई बहुत ही मक्खन जैसी सॉफ्ट रोटी कैसे बनाते हैं। क्यों कुछ लोगों की रोटियां जो है ऊपर से जल जाती हैं, अंदर से कच्ची रह जाती हैं, कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स और स्पेशल चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ये सभी बातें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। करना आपने क्या है, छोटी सी बात, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आज आपने। चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम 2 कप लेंगे मैदे के और इसमें आज बहुत ही स्पेशल चीज़ें जाने वाली हैं और बहुत ही स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स भी यूज़ होने वाले हैं। 2 कप लेंगे, अच्छे से छान के आपने इसको यूज करना है, बहुत अहम बात। 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, ये है हमारे पास बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। और ये है कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून, आप घी या मक्खन भी यूज कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ यह दही है, 1 टेबल स्पून, इतने से आटे में दही जाएगी, दही क्या करेगी, दही इसको बहुत ही फ्लफी कर देगी, बहुत ही सॉफ्ट कर देगी और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। आटा गूंदने की एक टिप सबसे पहले ये कि पहले आप चम्मच से इन चीज़ों को हल कर लिया करें। अगर मतलब कि अगर हम स्टार्ट में इसमें हाथ डाल दें और पानी डाल दें तो आटा जो है वो हाथों से बहुत ज़्यादा चिपकता है, फिर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलें जी दूसरी टिप, नीम गर्म पानी लिया करें। इससे क्या होता है, अगर आपको नॉर्मली आटा गूंदने में 10 मिनट लग जाते हैं तो गर्म पानी यूज़ करने से जस्ट 3-4 मिनट के अंदर आप आटे को अच्छे से गूंद सकते हैं। तब तक चम्मच का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जब तक के रिक्वायर्ड पानी हम इस आटे में ऐड नहीं कर लेते। जब ये सिचुएशन आ जाए कि पानी रिक्वायर्ड जा चुका है, फिर आप चम्मच को साइड पे करें। अब आप देखिएगा कि ये जो आटा है ये आपके हाथ के साथ चिपकेगा नहीं और आप बहुत ही आसानी के साथ आटे को गूंद सकते हैं। तो वही मुखियों वाला तरीका हमारा जो देसी है, उसी स्टाइल से हम आटे को गूंदेंगे बहुत अच्छे से। अगर आप ठंडा पानी यूज़ करें तो आपको लग जाते हैं कोई 8 से 10 मिनट, और गर्म पानी यूज़ करें तो 3 से 4 मिनट जस्ट लगेंगे और आप आटे को गूंद लेंगे। पानी बाद में ग्रेजुअली यूज़ करें, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ज़्यादा या कम ना हो। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे, उसके बाद हल्का सा पानी लगाएंगे। यहाँ पे बहुत अहम बात कि आपने आटे को कम से कम 10 से 15 मिनट का स्टेज ज़रूर देना है। इससे क्या होता है कि आटे के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है और हमको फिर पेड़ा बनाने में, रोटी बनाने में आसानी होती है। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चलें जी अब हाथों को खुश्का लगा के आपने आटे को इस तरह पकड़ना है। मैं एक एक बात इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो शायद फर्स्ट टाइम जिन्होंने बनानी हो, तो छोटी छोटी बातें भी डिस्कस होंगी। ये लें जी पेड़ा बन गया बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे फिर एक छोटी सी मुश्किल कि आपने पेड़ों को भी थोड़ा सा स्टे दे लेना है। इससे क्या होगा, आपको आसानी आ जाएगी। ढांप दीजिएगा ताकि खुश्क ना हो। तकरीबन 3 से 4 मिनट का स्टे काफ़ी होता है। अब आप एक पेड़े को पकड़ लेंगे, क्योंकि हमने इसको बेलने से बेलना है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी शेप को सही करके इसको थोड़ा सा चपटा कर लेंगे ताकि बेलना इसके ऊपर अच्छे से चल सके। अब आपने जहाँ भी इसको बेलना है वहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ये जुड़ जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर खुश्का डाल देंगे। अभी आगे जाके फ्लेम को लेके भी बहुत सी बातें जो मैं आपको बताऊँगा, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बेलने का जो यूज़ है, अगर आप कर लेते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं करते तो स्टार्ट में आपसे ये सही नहीं होगा। तो आपने घबराना नहीं, कभी भी कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम करने में सही नहीं होती। इस पे टाइम लगता है, इसमें आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं। इवन हम लोग भी बहुत दफ़ा फेल होने के बाद ही रेसिपीज़ को अच्छे से डन कर पाते हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। ये लें जी पतली रोटी, बिल्कुल पतली बनाएं, किनारे बिल्कुल बारीक होने चाहिए, मोटे किनारे वाली रोटी बिल्कुल नहीं अच्छी होती। फ्लेम यहाँ पे फुल हाई है। और एक और बात, जब आपने तवे के ऊपर रोटी को डालना है, आप इसकी गुलाई को भी सीधा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन डालते ही वक्त, बाद में नहीं। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद इसको पलट लेंगे। इस कंडीशन में फ्लेम जो है लगातार हाई है, लो फ्लेम के ऊपर रोटी सही नहीं बनती। लेकिन जब आप इसको साइड से किनारे हैं उसको इस तरह अच्छे से दबाएंगे तो किनारों के कच्चे रहने वाली लोगों में, जो तकरीबन 50-70% लोगों के रोटी के किनारे जो हैं वो कच्चे होते हैं, इस तरह रोटी पोने से दबा के आप इनको पका सकते हैं। अब आपने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना है, लो टू मीडियम कर देना है। अब आप देखिएगा माशाल्लाह से हमारी रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा फूलेगी। किन चीज़ों की वजह से, बेकिंग पाउडर अगर डाला है या दही की वजह से।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, फिर हम किनारों को दबा के इस तरह इसका कच्चापन दूर करेंगे। यही वो मिस्टेक है जो नॉर्मली लोग नहीं करते और उनकी जो रोटी है वो साइड से कच्ची रह जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब लो फ्लेम के ऊपर हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये पक नहीं जाती, और इसी तरह हम अपनी बाकी रोटियां चपातियां भी बना लेंगे और उनको भी पका लेंगे। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लें जी, ये बिल्कुल पकी हुई है, कंप्लीट डन है, लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है, बिल्कुल भी अकड़ी हुई नहीं है, मक्खन की तरह है, सॉफ्ट है, खूबसूरत है। इसी बात पे अपने खूबसूरत से हाथों से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दीजिए इजाज़त, अंसारी को इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।